नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट। जब से योगी सरकार दोबारा से सत्ता में आई है, दोस्तों, जो योगी आदित्यनाथ सरकार है वो पूरे एक्शन में है। जहां जहां अवैध निर्माण चल रहा है, जो दबंगों ने ज़मीन कब्जा रखी है, उससे दोस्तों जो यमुना विकास प्राधिकरण है और योगी सरकार है मिलकर दोस्तों उसे निकाल रहे हैं। अवैध निर्माण पर एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चला। हर नंदी के डूब क्षेत्र में 2.5 हेक्टेयर जमीन कराई गई खाली। जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा की तरफ से दोस्तों ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी एक्शन मोड में आ गए। शनिवार को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने बिसरख गाँव के समीप हरनंदी के डूब क्षेत्र की भूमि को अतिग्रहण मुक्त कराया। प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना एन के जैन ने बताया कि बिसरक गांव के समीप प्राधिकरण की क्रय भूमि खसरा नंबर 104, 105 व 121 से अतिक्रमण हटाया गया है। करीब 2.5 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। उन्होंने बताया कि हरनंदी नदी के डूब क्षेत्र की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। कॉलोनाइजरों से करीब 2.5 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इस जमीन को प्राधिकरण पहले ही खरीद चुका है, लेकिन कॉलोनाइजर इस जमीन पर अवैध कॉलोनी काट रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक एन के जैन व प्रबंधक क्षेत्राम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँच कर वहाँ से जो अतिक्रमण चल रहा था, अतिक्रमण दस्ते ने डूब क्षेत्र से अवैध कब्जे को हटा दिया। जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए 5 बुलडोजर लगाए गए। महाप्रबंधक परियोजना ए के अरोड़ा ने चेतावनी दी कि अधिसूचित क्षेत्र में कॉलोनाइजर के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा, कॉलोनाइजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो बड़ी अपडेट है भाई ये।